मैसेज आया है वेलकम टू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर फैमिली करके। सो फाइनली टू माय सब्सक्राइबर एंड टू माय व्यूअर्स ऑल ऑफ यू। सो अभी आज मैं ब्लॉग थोड़ा लेट से शुरू किया, सभी मैं डेली बोलता हूँ गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हो, नहीं हो, सब कुछ बोलता हूँ। आज गुड इवनिंग से मैं शुरू किया। एक्चुअली क्या है, थोड़ा एक्साइटेड मैं हूँ, थोड़ा एक्साइटेड इसीलिए क्योंकि आज मैं घर में एक्सट्रीम फाइबर इंस्टॉल करने वाला हूँ। एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर फाइनली मैं घर में इंस्टॉल करने वाला हूँ जो अंडमान में आ चुका है। और ये जो बॉक्स इंस्टॉल होने वाला है ये सिर्फ दो या तीन घर में ही है ये वाला बॉक्स। सो मतलब स्पेशल बॉक्स है मेरे लिए आ रहा है। सो इसको मैं अभी इंस्टॉल करने वाला हूँ घर में। सो अभी आएगा कुछ देर में ही एयरटेल ऑफिस से लोग, मतलब बंदा वगैरह आने वाला है वो लोग, सो आके इंस्टॉल करेगा। सो इसलिए मैं फटाफट ऑफिस का काम खत्म करके, आज थोड़ा बहुत हल्का ही काम था, खत्म करके घर आ गया। अभी गेस्ट मीट है लेकिन वो गेस्ट अभी आएगा 6 बजे, उसके बाद उनको मतलब 6:30-7 बजे मिलने जाना है। सो कुछ प्रॉब्लम नहीं, अभी जब तक आएगा वो लोग इंस्टॉल भी हो जाएगा, उसके बाद जाके मैं आराम से गेस्ट से मिल भी सकता हूँ, प्यू को लाने भी जा सकता हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल, योर यूट्यूब चैनल पोंग बाइसेप्स। बेसिकली आज एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है ना, एक्चुअली ज़्यादा लगने का कारण यही है क्योंकि मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर मेरे को बहुत दिन से मन था। जब कोलकाता में मैंने पहला बार देखा था एक्सट्रीम फाइबर लॉन्च हो रहा है तभी मैंने बहुत लोगों से सुना था, और मुंबई के निखिल का ब्लॉग से जब मैंने सुना था तभी से मेरे को एक मन बैठ गया था कि मेरा घर में भी एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर मेरे को इंस्टॉल करना है। सो मैं तो ठान ही लिया था मेरे को बैठाना ही है, कैसे भी करके मेरा घर में इंस्टॉल करवाना है। लेकिन कोलकाता में तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोलकाता में एक्चुअली मेरा घर में है तो वो मेरा भाई उसको यूज़ करता है, तो यहाँ पे मेरा BSNL था, BSNL का ब्रॉडबैंड था लेकिन उसका नेटवर्क इशू था, फिर आधा टाइम उसका नेटवर्क यूज़ ही नहीं होता था। मैं फालतू का 1100-1300 रुपये मैं उसका पे कर रहा था फालतू का, मतलब अभी चलेगा 1 घंटा बाद बंद हो जाएगा, फिर 3-4 घंटा के बाद फिर से ऑन होगा, फिर 2-3 घंटा चलेगा फिर बंद हो जाएगा, ऐसा होता था उसका मतलब हालत, मतलब बेकार का मैं उसको दे रहा था। तो उससे अच्छा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर जो लोग भी यूज़ कर रहे हैं कोलकाता में बोलो, यहाँ पे बोलो, एक्चुअली मैं ले रहा हूँ ब्लैक बॉक्स मैं ले रहा हूँ बेसिकली। और इसका क्या होता है, इसका फ़ायदा यही है कि बाद में इसको D2H में भी जब आ जाएगा मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ इसको। सो इसका फ़ायदा ये है, और इसका स्पीड जो है बहुत ही खतरनाक वाला स्पीड है। सो अभी मैं जो पैकेज ले रहा हूँ इसको 300 MB हर महीना मेरा मिलेगा, यहाँ पे 300 GB हर महीना मिलेगा मेरे को। सो मतलब बहुत ही फास्ट तगड़ा वाला नेट है। एक यूट्यूबर होने के नाते एक यूट्यूबर का क्या रहता है हर दिन का, मतलब सुबह उठ के कंटेंट, और सबसे अच्छा मैंने देखा कि डेली ब्लॉग छोड़ के कंटेंट तो और कुछ भी नहीं, क्योंकि डेली लाइफ में आपका जो होता रहता है ना वही सबसे बड़ा कंटेंट बन जाता है। आज जैसे कि सडनली मेरा प्लान बना कि एक्सट्रीम फाइबर मेरे को इंस्टॉल करना है, तो मैं क्या किया, मैं सोचा कि भाई चलो इंस्टॉल कर देते हैं। उसी टाइम मैं सोचा कि भाई चलो एटलीस्ट एक अच्छा सा कंटेंट तो बन जाएगा मेरा। सो मैं फटाफट घर भाग के आ गया, मैं बोला भाई इंस्टॉल कर दो मेरा घर में अभी, क्या अभी मेरे को चाहिए। तो इंस्टॉलेशन का लोग आ गया है घर में, अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है। एक्चुअली मेरा घर के सामने पूरा केबल वगैरह पड़ा है, यहाँ पे ये देखो केबल वगैरह पूरा घर के सामने, इसका लाइट में जला देता हूँ, ये देखो अभी केबल वगैरह मैं जला के रखता हूँ। और केबल जो है इसका कनेक्शन जो है बाहर से आ रहा है, वो साइड में काम चल रहा है अभी। सो वहाँ से कनेक्शन आएगा, आने के बाद एक्चुअली यहाँ पे ये बॉक्स बैठने वाला है ये दीवार में, और बोला जा रहा है कि पूरा घर में कनेक्शन आ जाएगा, 5G पूरा घर हो जाएगा, पूरा एरिया कवर कर देगा, मतलब मेरा पूरा रूम 5G बन जाएगा। तो मेरा पूरा रूम 5G बन जाएगा, मतलब तगड़ा वाला नेट का एक्सपीरियंस मेरे को मिलने वाला। सो पेमेंट हो गया एक कम्प्लीट एयरटेल का, और मेरे को ऑफ़र भी मिल गया है। एक्चुअली इसका क्या होता है, ऑनलाइन प्रोसेस होता है, आपके पास एक लिंक आएगा, वो लिंक में ही आपको ऑनलाइन में पेमेंट करना पड़ेगा। इसका पेमेंट प्रोसेस जो मैंने चेक किया थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कॉन्जेस्टेड है इसका पेमेंट प्रोसेस, मतलब एक्चुअली क्या होता है आप कैश पेमेंट दे देते हो ये देते हो, लेकिन अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है डिजिटल इंडिया, तो इसका भी जो प्रोसेस है डिजिटल इंडिया की तरह सेम डिजिटल प्रोसेस है, या तो कार्ड से या तो मतलब आप जीपे कर सकते हो, लेकिन जीपे का प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा लगा मेरे को अलग प्रोसेस है। सो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से आपको पे करना पड़ेगा, ताकि मैंने देखा जब जीपे में पेमेंट किया मेरा पेमेंट कंप्लीट हो गया लेकिन फिर भी मेरा जीपे में मैसेज आ रहा है कि अभी तक स्टिल नाउ अनपेड है। सो यही मेरे को भैया भी बोल दिया था कि पेमेंट करने के बाद घबराना नहीं, सिर्फ
फ़ोन में मैसेज आना चाहिए और लास्ट में जो होम पेज से लिंक तुमको मिलेगा पे करने का, वो लिंक पे जाके देखना कि पेमेंट हो गया है कि नहीं। तो वो लिंक पे जाके देखा कि पेमेंट हो गया, उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया और यहाँ पे भी देख लिया। जीपे का वो फॉलो मत करना, सिर्फ ऑर्डर आईडी, मतलब जहाँ पे आपको यूपीआई आईडी देना होता है यूपीआई आईडी डाल दो, उसमें टिक आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा कि थैंक यू फॉर चूजिंग एयरटेल, मतलब पेमेंट हो गया। नॉर्मल आप जीपे पे वेट करते रहोगे तो उसमें तभी तक भी मतलब 10 मिनट के बाद भी आपको अनपेड ही दिखाने वाला है। तो मैं सोचा था 10-15 मिनट में काम हो जाएगा, आके काम खत्म करके फिर गेस्ट मीट करके फिर प्यू को लेने चला जाऊंगा, लेकिन अभी तक इसका इंस्टॉलेशन खत्म नहीं हुआ। अभी जो बॉक्स लगा है बाहर में, वो बॉक्स से ही केबल वायर कनेक्ट होकर घर में नहीं आ पाया, मतलब केबल घर में पड़ा है लेकिन वो बॉक्स में मेन कनेक्शन नहीं हो पाया। सो अभी ऑलमोस्ट 1 घंटा बीत चुका है, मतलब मेरे को पहले ही बोला था कि ऑलमोस्ट मतलब टाइम लगेगा, लेकिन कितना टाइम लगेगा ये नहीं बोला था। मेरा ईवी जो है वो, मतलब ईवी क्या बोलता है उसको, ईवी बोलता है ना, हाँ। सो मेरा ईवी क्या हुआ, वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे नेटवर्क का तो इशू है मेरा घर में, आप सभी को पता ही है। सो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो भैया बोला क्या, बाहर जाके उसको ईवी जनरेट करके फिर मेरे को अपलोड कर देगा, पेमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है, सिर्फ वो ईवी जनरेट करना ही बाकी है। और ये रहा फिलहाल मेरा एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का बॉक्स। इतना ज़्यादा हैटिंग वाला काम है 5G एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर 5G वाला लगाना। सो मैं आधार कार्ड से कम वो भैया 15 से 20 बार ट्राई कर लिया, कनेक्शन नहीं आया। लास्ट में मेरा पासपोर्ट से काम हुआ, एक्टिवेशन हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी सिर्फ इसका मतलब मेरा ईवी एक्टिवेशन हो गया है, मतलब मेरा डाटा वगैरह सब कुछ प्रोसेस हो चुका है। अभी जो है ये बॉक्स को एक्टिव करना है। सो इसके लिए मेल चला गया है, बोला आज रात तक मैं 10 बजे या तो 11 बजे तक मैं इसको ऑन कर दूंगा ही कैसे भी करके। मैं बोला ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से करो, कल भी ऑन करने से मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सब कुछ हो गया ना। बोला हाँ सब कुछ हो गया है, अभी ऑन हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, अगर ऑन हो जाता है तो इसी नेट से ही मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। टेबल का हालत पूरा एकदम गंदा हो गया पड़ा है, ये देखो। अभी इसको थोड़ा सेट करना पड़ेगा, सेट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ऐसा गंदा टेबल मेरे को एकदम पसंद नहीं। सो इसको अच्छे से सब कुछ रखना पड़ेगा। ये जो है ना, इसको ये कैमरा का चार्जर मेरे को नीचे रखना पड़ेगा, अभी इसको बाद में मैं रखता हूँ, पहले ये बॉक्स का जुगाड़ करना पड़ेगा। ये जुगाड़ हो गया, यहाँ पे चला गया, ये वाला हो गया इसका जुगाड़, काम ख़त्म। अभी जो बाकी है वो है ये वाला। सो इसको तो मैं ऊपर में रखने वाला हूँ, एयरटेल फाइबर का बॉक्स। चलो ये वाला अंदर चला गया, इसका काम ख़त्म। अभी जो काम है वो है कि टेबल को सेट करना। सो पहले मेरा लैपटॉप का चार्जर, उसको कहाँ रखूँ। ये भी, ये देखो देखो इसका कलर, देखो कलर कैसे चेंज होता है। इसका बोला जाता है कि अगर मैं किसी से मतलब इसके साथ मेरा फ़ोन कनेक्ट है या तो नहीं है या तो ज़्यादा फ़ोन कनेक्ट है तो इसका कलर चेंज होता रहा। मैसेज आया है वेलकम टू एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर फैमिली करके। सो फाइनली वी आर एक्सट्रीम फाइबर फैमिली। सो अभी हम लोगों के पास भी एक्सट्रीम फाइबर है। अभी इसका सिर्फ जो मेरे को चेक करना है वो इसका रिव्यू। तो रिव्यू तो मैं आने वाला वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वाला वीडियो में देने वाला हूँ। अभी ये वाला वीडियो में मैं इसका अपडेट देने वाला नहीं हूँ क्योंकि पहले मैं यूज़ करूँगा, अभी सेटिंग हुआ यही मैंने बोला। लेकिन अभी ये जैसे जैसे अपडेट होगा, दिन बढ़ता जाएगा, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है क्या रहता है मैं आपको शेयर करूँगा, वो शेयर आपको नेक्स्ट वाला वीडियो में मिल जाएगा। जैसा कि भैया बोला था कि एक OTP मतलब एक मैसेज आएगा, मैसेज के साथ साथ तुम्हारा जो नया वाला पासवर्ड है वो वाला पासवर्ड आ जाएगा।
सो मैसेज तो आ गया, मैंने चेक किया, अभी उसको कॉन्फिगर करना है, वो वाला पासवर्ड चल रहा है कि नहीं। हाँ, तो यहाँ पे दो दो मैसेज आ गया है, ये देखो इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। एक्चुअली ट्राइपॉड नहीं रखा इसलिए दिखाई दे रहा है, ब्लर को ठीक करने को पहले, ये देखो दोनों यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर 5G मेरे को कनेक्ट करना है तो यहाँ पे 5G का ऑप्शन है, उसको क्लिक करना है। अगर नॉर्मल कनेक्ट करना है तो नॉर्मल वाला। एक्चुअली क्या होता है, दोनों तरह का यहाँ पे ऑप्शन रहता है। अगर आप नॉर्मल वाले में क्लिक करते हो तो आपको क्या होता है, 5G जो स्पीड, जो 100 Mbps स्पीड देगा, उसका एकदम स्पीड घट जाएगा, आधा हो जाएगा, 50 Mbps स्पीड देगा। और अगर 5G में क्लिक करते हो तो 100 Mbps स्पीड देगा, लेकिन फ़र्क क्या होता है दोनों में, अगर नॉर्मल आप क्लिक करते हो तो उसका एरिया बहुत बड़ा होता है, तो बहुत बड़ा एरिया आपका कवर कर लेगा। लेकिन अगर आप 5G क्लिक करते हो तो आपका घर अगर बड़ा होता है तो मतलब वो छोटा एरिया क्लिक करने वाला है। लेकिन मेरा जो घर है ये बड़ा ही लगता है, लेकिन एज पर ये राउटर के हिसाब से ये पूरा घर कवर कर सकता है, उसके पास ये छोटा ही घर है। सो मैं जब बीवी को बोला कि पूरा एरिया कवर कर लेगा, हम लोग का घर छोटा है, अरे भाई हम लोग का घर छोटा है ना, घर छोटा नहीं है, वाईफाई के हिसाब से वो घर हम लोग का छोटा है, तो पूरा घर वो कवर कर सकता है। अभी मैं पहले इसको कॉन्फिगर कर लेता हूँ, फिर मैं वीडियो में लौटता हूँ, क्योंकि कॉन्फिगर करने में थोड़ा टाइम लगता है और ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल मैं रखना चाहता हूँ ये वाला वीडियो को। सो मैं कॉन्फिगर करके फिर मैं मिलता हूँ। तगड़ा एक्सपीरियंस है मैंने अभी किया ना, तगड़ा एक्सपीरियंस, मतलब जीरो बफरिंग, ऐसा लग रहा है कि मैं सेव करके रखता हूँ वीडियो को, इतना फास्ट 5G मैंने कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया। मतलब मैं लिटरली, मेरे को लग रहा है कि मैं कोई वीडियो नॉर्मली मैं सेव करके रखा है फ़ोन में, उसको ही मैं क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक करके क्लिक कर रहा हूँ। मतलब जितना फास्ट होता है ना, नॉर्मल एक सेव वीडियो क्लिक करो ओपन हो जाता है, नो बफरिंग नो है, वैसा ही सेम 5G का एक्सपीरियंस हो रहा है मेरे को। सो मतलब खतरनाक वाला, अभी मैं इसको एक्सपीरियंस करता हूँ और फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अभी मेरा एक्साइटमेंट बढ़ रहा है, मेरे को इसको एक्सपेरिमेंट करना है अभी इसके ऊपर। सो वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो, एंड एज ऑलवेज टाटा बाय बाय, सी यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में।